हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस समय मैं अपने घर की बालकनी में हूँ और काफ़ी बारिश हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे प्लांट्स के ऊपर भी ये ड्रॉप्स हैं वाटर की, और बारिश गिर रही है इस समय भी। तो चलिए इस बारिश के मौसम में हो जाए बालकनी का टूर। तो चलिए देखते हैं मेरे प्लांट्स। ये देखिए मेरा अजवाइन का प्लांट, बहुत ही पुराना, पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको मैं। फ्रेंड्स, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं वो देख चुके हैं कि एक बोनसाई का रूप ले चुका है ये मेरा अजवाइन का प्लांट। ये देखिए इसकी एज आप गैस कर सकते हो इसकी ब्रांचेस से। और वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, ये 15 ईयर ओल्ड अजवाइन का प्लांट है और अपने आप में एक एंटीक है पीस। ये देखिए, और यहाँ पे ये है मेरा इचिवेरिया, दिस इज आल्सो वेरी ओल्ड। बहुत ही प्यारा मौसम है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, ये देखिए मेरे हैं क्लेंचोस, मदर ऑफ मिलियंस। ये देखिए इस प्लांटर को तो पूरा भर दिया अभी इसने, मदर ऑफ मिलियंस ने। ये देखिए नीचे कितने सारे प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स, मदर ऑफ मिलियंस के। ये तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ये प्लांटर काफ़ी बढ़ चुका है। और इस सुहाने मौसम में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये है मेरा पर्पल हार्ट। यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल बेबी डॉल। ये फिलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी है और इसके बेस देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ये देखिए हॉर्स, इसकी रूट्स देखिए किस तरह से स्प्रेड हो चुकी है इसमें। देखिए रूट्स, और एक छोटे सा क्लेंचो की कटिंग मैंने वैसे ही लगा दी थी, वो भी इस पे देखिए कितना अच्छा ग्रो कर गया है। तो आगे देखिए, ये है मेरा एलोवेरा, कितने सारे बेबी प्लांट्स इसमें ग्रो कर गए हैं। और यहाँ पे है ड्रेसीना, और ये है मेरा थूजा का प्लांट। ये पत्थर चटा, ये देखिए नलीना पाम की पोनी, देखिए पोनी टेल और नलीना पाम की पोनी देखिए कितनी प्यारी है। और ये इसका देखिए नीचे से कॉर्डेक्स, वेरी हेल्दी, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए इसे बोनसाई बनाया जा सकता है, किसी बोनसाई ट्री में अगर इसे रख दिया जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और इसके साथ ये मेरा जामिया पाम, ये वाला, ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए इसका बल्ब। तो फ्रेंड्स, इसका बल्ब जो है ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसका बल्ब ही इसकी एज को रिप्रेजेंट करता है। जितना प्लांट की एज ज़्यादा होगी उतना ही बड़ा इसका बल्ब होगा।
तो ये भी अगर किसी बोनसाई ट्रे में रखे जाएं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। ये मेरा जामिया पाम, और कार्डबोर्ड पाम भी बोलते हैं इसे। इसके लीव्स ऐसे हैं जैसे कोई कार्डबोर्ड होता है, काफ़ी हार्ड है। ये देखिए, और नलीना पाम, यहाँ पे ये देखिए क्लेंचोस, आ ये मेरा सिंगानियम, ये देखिए स्नेक प्लांट, ये देखिए बेबी प्लांट्स। एक ही मैंने लगाया था और उसके साथ ये बेबी प्लांट्स भी ग्रो करते रहते हैं, काफ़ी फास्ट मल्टीप्लाई करता है। और ये छोटा सा कनेर का प्लांट भी इसी प्लांटर में है। और ये अमारलस लिली है मेरा। और यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, मेरा बास्केट था लेकिन मेरे डॉगी ने इसे चबा दिया, ये देखिए इसे डैमेज कर दिया। तो इसमें अभी मैंने ये रखा है फिलोडेंड्रोन की, न्यू बेबी प्लांट को मैंने लगा दिया था इसमें। ये देखिए, तो साथ में आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि तो बारिश हो रही है। ये देखिए, ये जामुन का ट्री है मेरे घर के पास। ये देखिए मेरे टेरेस को छू रहा है, यहाँ पे सारे इसके लीव्स देखिए बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। यहाँ से आपको बारिश का पता चल जाएगा। ये देखिए ड्रॉप्स गिर रही हैं, वाटर ड्रॉप्स। ये देखिए पूरा प्लांट मस्ती में है, बहुत ही अच्छा लविंग वेदर है, एंजॉय कर रहा है जो जामुन का पेड़। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है मेरे घर के पास, और जामुन तो मेरे फेवरेट है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। ये देखिए कैसे बारिश की ड्रॉप्स गिर रही हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौसम है और मैंने सोचा कि क्यों ना ये बारिश का मौसम आपके साथ शेयर किया जाए, और आपको इस भीगे भीगे मौसम में अपने प्लांट्स दिखाए जाएं। यहाँ का व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जैसे ड्रॉप्स गिर रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ तो इस तरह से तो पता नहीं चलता ना। ये सारा मेरा बालकनी का व्यू, रंग बिरंगे मेरे प्लांटर्स। यहाँ पे भी ये देखिए, ये मेरा इंसुलिन का प्लांट है जिसे शुगर प्लांट भी कहते हैं, ये वाला देखिए लंबू। और यहाँ पे नीचे भी इसका बेबी प्लांट, ये देखिए दो कलर है। ये क्रोटोन है मेरा, देखिए यहाँ पे भी क्रोटन, ये भी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। यहाँ पे ये देखिए मेंढक, यहाँ पे एक डॉगी भी है क्यूट सा पपी, ये भी इंजॉय कर रहे हैं सब वेदर को। ये देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी ड्रॉप्स गिर गई हैं, ये देखिए गीला हो गया है पूरा, मिस्टिंग हो गई है इनके ऊपर भी, अरेलिया के ऊपर भी, यहाँ पे शफलेरा के ऊपर भी, ये एग्लोनीमा, ये सर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यही दिखाना था मैंने आपको कि हमारे अमृतसर में काफ़ी वेदर प्लेजेंट है, और आज 31 मई है और काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम काफ़ी अच्छा है। और मई मंथ तो हमारे यहाँ अमृतसर में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सुहावना रहा, इस बार गर्मी नहीं पड़ी ज़्यादा, बारिश रही, मौसम अच्छा था। तो आज भी जैसे 31 मई है, लास्ट डे है मई का, और आज भी बहुत ही सुहावना वेदर है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।